जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है M&T न्यूज नेटवर्क की इस खास कार्यक्रम में। और आज सोमवार है और सोमवार के दिन हम चर्चा करते हैं हिंदी में अलग अलग विषयों को लेकर, जो मूल्यवासी भोजन समाज के ज्वलंत विषय है, उन सभी विषयों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। आज का भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम लेकर आपके सामने आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हाल ही में 1 फरवरी को इस साल का जो बजट है, 2023 से 24 तक का जो बजट है, वह पेश किया गया, केंद्रीय बजट पेश किया गया। और तरह तरह के जो खबरें हैं वो हमारे मीडिया पर आ रहे हैं, इसके फेवर के बारे में और इसके अगेंस्ट के बारे में भी। तो इस बजट का जो है वो मूल्यवासी बहुजन समाज के ऊपर क्या असर हो रहा है या होगा, या उसका क्या असर पड़ा है, इसके बारे में आज हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। आज का ये सत्र जो है, यह विशेष सत्र है बजट के ऊपर, क्योंकि ये जो बजट है, ये बजट को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो अर्थशास्त्र होता है, जो अर्थ होता है देश का, वह देश की तरक्की को की ओर लेके जाता है। और देश की तरक्की मतलब देश के जो नागरिक होते हैं, आम नागरिक होते हैं, उनकी तरक्की, क्योंकि उनकी तरक्की के माध्यम से ही देश की तरक्की हो सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इस विषय पर आज हम ये बहुत ही चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ सहभागी हो रहे हैं मूल्यवासी प्रोफेसर डॉक्टर PS कामले सर। सर, जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। पुनः एक बार स्वागत है आपका M&T न्यूज नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम में। आप अर्थशास्त्र में काफी मतलब माहिर है, और आप आपका ये विषय रहा है, और आप इसमें अर्थशास्त्री भी है। तो निश्चित तौर पर इस बजट को भी आपने एक अलग एंगल से, एक अपने अध्ययन के तहत इसको देखा है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो 2023 और 24 का जो बजट है, जो पेश किया गया हाल ही में, तो इस बजट के बारे में आम जनता किस तरह से इस बजट को समझे? आम जनता इस बजट को उनके निहितों में क्या, इस बजट में कोई प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया है? क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड का जो अभी हाल ही में कोविड के हालात से मूल्यवासी भोजन समाज धीरे धीरे उभर रहा है, और उस परिस्थिति में जहाँ उसको मतलब ज्यादा संसाधन और संसाधनों की आवश्यकता है अपने सुधरने के लिए, तो क्या इस बजट में इसके ऊपर जिक्र किया गया? और इतना ही नहीं, तो आपने देखा होगा कि काफी दिनों से किसान भी रास्ते पर आए थे और आंदोलन कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर उनकी जो मांगे थी उसके बारे में भी क्या इसमें कोई जिक्र किया गया है? जो शिक्षा है, जो रोजगार है, जो मनुष्य के हेल्थ के बारे में है, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में है, तो ये बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिसके बारे में मतलब हमारे जो दर्शक है वो निश्चित तौर पर इस बजट के मामले में जानना चाहेंगे। तो कृपया विस्तारित तौर पर इस बजट के बारे में इन सभी अंगों से अगर आप एक्सप्लेन करेंगे एनालिसिस के तौर पर, तो हम सभी दर्शकों की ओर से हम आपका बहुत आभारी रहेंगे। कृपया थोड़ा विस्तारित तौर पर इसे बताइए सर। पहले तो मैं आशीष सर को और M&T हिंदी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अब 1 फरवरी को माननीय अर्थमंत्री जी ने केंद्रीय बजट पेश किया है पार्लियामेंट में 2023-24 का। और ये अर्थसंकल्प होता है, बजट होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है देश का, अर्थव्यवस्था का। वो जो डेवलपमेंट पॉलिसी है, विकास नीति है, वो विकास नीति का मिरर होता है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, बहुत ध्यान से क्या परिस्थिति देश में, समाज में उपलब्ध है, उससे उसको लिंकेज करना चाहिए, एसोसिएट करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। तब ये रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है कि ये सामाजिक कल्याण साध्य करने वाला अर्थसंकल्प है या नहीं। अगर इस फ्रेमवर्क में हम 2023-24 का अर्थसंकल्प का अगर विवेचन, विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास करेंगे तो मुझे अच्छा लगता, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण वो केंद्र बिंदु होना चाहिए। जो कुछ सामाजिक आर्थिक चैलेंजेस है, समस्याएं है, उसको सॉल्व करने का प्रयास इस डॉक्यूमेंट से होना चाहिए, अर्थसंकल्प से होना चाहिए। और अगर नहीं हो सकता, अगर वो इसका प्रोविजन नहीं हो गया है, तो फिर थोड़ा टाइम होता है कुछ
अमेंडमेंट्स के लिए, कुछ करेक्शंस के लिए, वो अमेंडमेंट्स करेक्शंस इनकॉर्पोरेट करके थोड़ा रियलिस्टिक करने का, वेलफेयर ओरिएंटेड करने का एक अपॉर्चुनिटी रहता है, एक हफ्ता या 10 दिन चर्चा के लिए उपलब्ध होते हैं संविधान इस पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में। और जो कुछ सजेशंस, जो कुछ सोशल वेलफेयर रियलाइज करने वाले, मटेरियलाइज करने वाले कुछ सजेशंस पॉलिसीज अगर सूचित किया जाएगा तो वो संविधान में अंतर्भूत कर, बजट में अंतर्भूत करना चाहिए, क्योंकि बजट महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट है, विकास नीति का वो साधन है, और अर्थव्यवस्था देश का सामाजिक आर्थिक विकास, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, इसकी लेवल जो है, उसकी पातली है, उसकी पातली उच्च स्तर पर लेने का, रियलाइज करने का उसमें चांस है, अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इस बजट को देखेंगे, उसके पहले मैं ये कुछ बताना चाहता हूँ कि सर ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि मूल निवासी के लिए क्या क्या इसमें प्रावधान है, है क्या नहीं, बराबर है, एडिक्वेट है या नहीं, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, वो पहले मैं बताने का प्रयास करूंगा। ये कोविड का परिणाम, प्रभाव आर्थिक वृद्धि पर हो गया है, लेकिन अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन करने का प्रयास करेंगे तो ऐसा दिखाई देता है, फिर भी हमारी वृद्धि की जो सिचुएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ की जो सिचुएशन, कंडीशन है, वो अच्छी है, वो बराबर है। वो डेवलप्ड कंट्री से हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो भी अच्छे है, डेवलप्ड कंट्रीज में ग्रोथ रेट बहुत कम है, और कोई कई देश ऐसे भी है उसमें ये ग्रोथ रेट निगेटिव है, माइनस है, लेकिन हमारा ग्रोथ रेट है वो 22-23 में 6% तक जाने का, उससे भी थोड़ा आगे जाने का प्रयास होगा, रियलाइज होगा, ऐसा प्रिडिक्शंस भी है, इकोनॉमिक सर्वे में भी ऐसा कुछ डेटा आया है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, ये कि आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां कैसी है, ग्रोथ बेटर नहीं लेकिन गुड है ऐसा हम कहेंगे, सो उसमें स्पीड अप करने का चांस है, करना चाहिए, उसका उसका मेजर्स और पॉलिसीज, उसका प्रावधान वो बजट में होना चाहिए, अर्थसंकल्प में होना चाहिए, वो हो गया है कि नहीं, किया है कि नहीं, उसकी चर्चा हम करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, तो ये बात इसमें इन्वेस्टमेंट की क्या पोजीशन है, कैपिटल संचय की क्या पोजीशन है, कंजम्पशन की क्या पोजीशन है, सेविंग्स के क्या पोजीशन है, इन्वेस्टमेंट की क्या पोजीशन है, ये भी अगर ध्यान में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या पोजीशन है, ये भी सब जानकारियां हमें लेना चाहिए। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ग्रोथ अच्छा है लेकिन उसमें स्पीड अप करने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत बढ़ाने की जरूरत है, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, भांडवली खर्च बोलते हैं, वो बढ़ाना चाहिए, बचत इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का स्पेस है, उसको प्रयास करना चाहिए, वो जो जो डेट बर्डन है, वो डेट बर्डन को हम उसका उसका ख्याल रखना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार निर्मित है, वो उसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अप्रैल 2020 में रोजगार बहुत कम हो गया था, कोविड का इम्पैक्ट हो गया था, तो उस दिन में, उस कालावधि में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी का जो दर है, वो 15-20% हो गया था, अक्रॉस दी रूरल अर्बन भी फर्क था, अक्रॉस दी सोशल ग्रुप भी फर्क था, मेल फीमेल में भी फर्क था, ऐसा दिखाई देता है, गरीबी, उसको हम पावर्टी बोलते हैं, दारिद्र्य बोलते हैं,
उसकी बहुत गंभीर समस्या है, गंभीर समस्या है। अब हमारी पॉवर्टी लाइन कम है, 47 रुपीज इन अर्बन एरिया और 32 रुपीज इन रूरल एरिया है, फिर भी हमारा वो गरीबी पॉवर्टी का जो एक्सटेंट है, मैग्नीट्यूड है, वो करोड़ ऑफ पीपल है, करोड़ करोड़ लोगों को ऐसा जो जीवन है वो सहना पड़ता है। वन साइड ऐसा हो रहा है और दूसरे बाजू में इनइक्वालिटीज, विषमताएं बहुत बढ़ रही है। थॉमस पिकेटी ने पहले बार आर्थिक विषमता का, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का स्टडी किया और उसके बाद इनइक्वालिटीज का स्टडी सब ग्लोब में हो रहा है। उसी वक्त थॉमस पिकेटी के उस बुक में कैपिटल इन 21st सेंचुरी इन्फॉर्म किया था कि भारत में विषमताएं बहुत बढ़ रही है, उसमें संपत्ति की विषमता है, उत्पन्न की विषमता है और उपभोग सेवन कंजम्पशन की भी उपभोग विषमता है, असमानता है। वो थॉमस पिकेटी के बुक में वो सिग्नल किया था, इंडिकेट किया था, हाईलाइट किया था। उसके बाद बहुत से इनइक्वालिटीज के स्टडीज ग्लोबल लेवल पे और भारत में भी हो गए। 2017 में ऑक्सफैम ने भी स्टडी किया भारत के विषमता का, असमानता का, आर्थिक असमानता का, और उसने कंक्लूजन निकाला कि 1% फैमिलीज में 73% संपत्ति वेल्थ का शेयर कॉन्सेंट्रेट हो गया है। 2018 में फिर ऑक्सफैम का रिपोर्ट आ गया, उसने बताया कि 82% इनइक्वालिटीज है, गिनी कोएफिशिएंट के आधार से उन्होंने बताया, और वो बढ़ गई 84% तक हो गई। सो 2-3% वन ईयर में या टू ईयर्स में वो इनइक्वालिटीज बढ़ गई, ऐसा वो ऑक्सफैम का रिपोर्ट बोलता है। 2020 में इनइक्वालिटीज, वर्ल्ड इनइक्वालिटीज रिपोर्ट आ गया और वर्ल्ड इनइक्वालिटीज रिपोर्ट ऐसा बोलता है कि हमारी जी 50% पुअर फैमिलीज है, ये 50% पुअर फैमिली का शेयर नेशनल इनकम में सिर्फ 8% है, मोर देन 7% है, और संपत्ति का जो शेयर है वो 12-13% है। अभी 10% रिचेस्ट फैमिलीज है, 10% रिचेस्ट फैमिली का जो शेयर है टोटल नेशनल इनकम में वो 57% है, और वेल्थ में, टोटल वेल्थ में, टोटल राष्ट्र की जो संपत्ति होती है, संपत्ति है, उसमें 66% है। अगर ये हम देखेंगे हमारे और ये पॉवर्टी लाइन है, दारिद्र्य गरीबी है, हमारी पॉवर्टी लाइन बहुत संकुचित है, बहुत नैरोर है, 47 रुपीज शहरी क्षेत्र में और 32 रुपीज ग्रामीण क्षेत्र में है। अगर ये सब देख, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है मोर देन 2 अमेरिकन डॉलर्स, सो 2.5 अमेरिकन डॉलर, 1 अमेरिकन डॉलर 82 रुपीज है रेट ऑफ एक्सचेंज अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो 200 रुपीज होता है। अगर ये भी देखेंगे, ये भी 47 रुपीज और 32 रुपीज अगर ध्यान में ले लेंगे तो भी ऐसा लगता है करोड़ ऑफ पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक रियलाइज करना है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक अगर हम रियलाइज करना है, उसमें पहला ही गोल है, फर्स्ट गोल इज जीरो पॉवर्टी, आपका जो दारिद्र्य गरीब है वो शून्य होना चाहिए। 75 ईयर्स में हम कर नहीं सके, इस बजट में क्या प्रावधान किया है और जीरो पॉवर्टी होगी क्या नहीं होगी उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये या शिक्षा की परिस्थिति बहुत सी अच्छी नहीं है, 27% उच्च शिक्षा में पट संख्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, और प्राइमरी में पट संख्या है लेकिन ड्रॉपआउट रेट बहुत ज्यादा है। जैसे हम प्राइमरी से आगे जाते हैं, माध्यमिक है, हाई स्कूल है, एलिमेंट्री है और उच्च शिक्षा है, जैसे हम बढ़ जाते हैं तो ये ड्रॉपआउट रेट बहुत बढ़ जा रहा है, वो बहुत बढ़ता दिखाई देता है।
और अगेन ये रूरल और अर्बन में डिस्पैरिटीज हमें दिखाई देती है अक्रॉस दी सोशल ग्रुप्स आल्सो। बहुजन लोगों के बारे में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाति, अल्पसंख्यक है, ये मुस्लिम माइनॉरिटीज है, ये भी इस इनके बारे में भी ये जो ग्रॉस एलिमेंट रेशियो है वो ज्यादा है। एक स्टडी कर दिया प्रोफेसर बसंत और सेन ने, और उन्होंने ये एसेस करने का प्रयास किया कि उच्च शिक्षा में भारत की पार्टिसिपेट होने की पोटेंशियलिटी क्या है, क्षमता क्या है और एक्चुअल पार्टिसिपेशन क्या है, ये स्टडी किया और वो बहुत आई ओपनर कंक्लूजन है उनके। वो स्टडी कंक्लूड करते कंक्लूजन निकालती है कि 44% पोटेंशियलिटी है हमारे देश में उच्च शिक्षा में सहभागी होने का, पोटेंशियलिटी टू पार्टिसिपेट इन हायर एजुकेशन, और एक्चुअल पार्टिसिपेशन है, प्रत्यक्ष सहभाग है, सिर्फ 10%। अनुसूचित जमाती के बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में पोटेंशियलिटी है 44% और एक्चुअल पार्टिसिपेशन है 6-8%। शेड्यूल ट्राइब के बारे में पोटेंशियलिटी है 36% और एक्चुअल पार्टिसिपेशन है 4-5%। मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में पोटेंशियलिटी है 40%, एक्चुअल पार्टिसिपेशन है 6-7%। सो बहुत बढ़िया गैप है। आरोग्य की स्थिति क्या बहुत अच्छी नहीं है, कोरोना पैंडेमिक हमें में देखा है, कोरोना के ट्रीटमेंट एक्चुअल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दी गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पैरालाइज है, उसमें डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स नहीं है, मेडिसिन की लैबोरेटरी, टेस्टिंग लैबोरेटरी की सुविधाएं नहीं, ये सब प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है। और ग्रामीण और शहरी बहुत असमानता है, हमें स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, लेकिन ये जो बहुजन समाज है, ये बहुजन समाज जो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे पेशेंट को उस हॉस्पिटल में एंट्री किया तो 1 लाख रुपीज देना पड़ता है, और मेडिकल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट बहुत अलग है, उसके चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस, डॉक्टर चार्जेस, रहने के चार्जेस, खाने के चार्जेस बहुत अलग है। एक्चुअली शिक्षा जैसी सोशल सर्विस है, सामाजिक सर्विस है, सोशल सर्विस है, वैसे ही आरोग्य हेल्थ भी सोशल सर्विस है। सोशल सर्विस इसका अर्थ ऐसा है कि उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोविजन ये अर्थसंकल्प में होना चाहिए, बजट में होना चाहिए, और वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होना चाहिए उसका डेवलपमेंट। प्राइवेट सेक्टर का सहभाग ले सकते हैं, लेकिन उसमें मॉनिटरिंग होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन हमारा हेल्थ सेक्टर प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटेड है और बहुत डिस्पैरिटीज है, उसका जो बेनिफिट है वो बहुजन समाज नहीं ले सकता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाति, ओबीसी माइनॉरिटीज वो नहीं ले सकते है, ऐसी परिस्थिति है। और एजुकेशन भी में भी ऐसा है, अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और इंजीनियरिंग का देखो, मेडिकल का देखो, वो बहुत तकलीफ हो रहे है, और हम नई शिक्षा हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भी प्राइवेटाइजेशन पे भर है, गवर्नमेंट का रोल बहुत नहीं है, इसमें भी कॉलेज रिटेन करने के लिए 3000 स्टूडेंट की जरूरत है, 3000 स्टूडेंट ग्रामीण एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में नहीं रह सकते, सो भविष्य में बहुत से कॉलेजेस मर्ज हो जाएंगे, बहुत से टीचर्स नहीं लगेंगे, बहुत से नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं लगेगा, और ये हो जाएगा कि ग्रामीण जो क्षेत्र का जो स्टूडेंट है वो शहरी एरिया में नहीं आ सकता, नहीं रह सकता, नहीं वे कर सकता, एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है। स्त्रियां वीमेन के प्रॉब्लम बहुत से, महिलाएं के प्रॉब्लम बहुत से, बालकों के प्रॉब्लम बहुत से, ऐसे इस प्रॉब्लम के पार्श्वभूमि पे हमें बजट को एसेस करना चाहिए। सो बजट एग्जामिन करने के लिए, बजट अप्राइज करने के लिए, क्रिटिकल इवैल्यूएट करने के लिए अर्थव्यवस्था में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है वो देखना चाहिए, ग्रोथ क्या है, सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, भंडवल संचय क्या है, रोजगार क्या है, दारिद्र्य पॉवर्टी क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सब देख, श्रम कल्याण, लेबर वेलफेयर क्या है, लेबर वेलफेयर थ्री ये क्या है, सब एक्ट्स कंसोलिडेट किया है, और एग्री रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स नेम देखो उसको, कोड ऑफ लेबर ऐसा किया, संहिता किया है,
सब लेबर सिक्योरिटी एक्ट, सब लेबर वेलफेयर एक्ट कंसोलिडेट किया है, मर्ज किया है, और थ्री कंडक्ट थ्री कोड्स है, थ्री संहिताएं है, और ये थ्री संहिताएं उसमें सिर्फ हायर एंड फायर, नो सोशल सिक्योरिटी, नो वेज फिक्स, नो टाइम फिक्स, ऐसे बहुत से, महिलाएं रात में भी काम कर सकती है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स 12 होगी, पहले वो 8 थे, ऐसे बहुत से रिफॉर्म्स लेबर रिफॉर्म्स के नाम पे किए है, और उसका जो रिपरकशंस है, कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके जो इविल कॉन्सिक्वेंसेस है, वो इविल कॉन्सिक्वेंसेस को देखना चाहिए, इविल कॉन्सिक्वेंसेस को कम करने के लिए हमें कोरोना पैंडेमिक पीरियड में देखा कि बहुत हालात हो गई कामगार की, श्रमिक की, बहुत से प्रॉब्लम हो गए रहने का, जगने का, सर्वाइव होने का, बहुत से प्रॉब्लम हो गए। ये सब चैलेंजेस, शिक्षा के प्रॉब्लम है, आरोग्य के प्रॉब्लम है, ये चैलेंजेस सॉल्व करने के लिए, और सोशल वेलफेयर है, बहुजन समाज का कल्याण है, वंचितों का कल्याण है, अनुसूचित जाति जमाती ओबीसी उनका कल्याण है, वो प्रावधाने हो गया है क्या नहीं वो देखना चाहिए। इसलिए अब तक मैं बैकग्राउंड क्या बैकग्राउंड है, सुशिक्षण बैकग्राउंड क्या है भारत का, अर्थव्यवस्था का, एक्चुअली ये जो अर्थसंकल्पना है, इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, वो संविधान दस्तावेज है, उसका उसका प्रोविजन संविधान में किया है, संविधान से, संविधान के फ्रेमवर्क में उस डॉक्यूमेंट को तैयार करना चाहिए, और कार्यवाही अमल बजावनी बहुत रिग्रसली, सिंसियरली, ऑनेस्टली करनी चाहिए। ये हो गया क्या नहीं वो हमें देखना चाहिए, उसको हम एग्जामिन करना चाहिए, असेस करना चाहिए। अब क्या प्रोविजंस है इस बजट में, यह प्रोविजंस मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस बजट का विजन ऐसा लिखा है, ऐसा दिया है कि सभी सिटीजन्स को संधियां उपलब्ध करने का, और वो युवा है, तरुण है, उसको कॉन्सेंट्रेट करने का, ये एक विजन है। ग्रोथ, वृद्धि, वृद्धि गतिशील करके जॉब अपॉर्चुनिटीज निर्माण करना, रोजगार निर्माण करना, ऐसा भी एक मिशन है। एक मिशन है कि सोशल जो आर्थिक पर्यावरण है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, वो स्टेबल और स्ट्रांग करने का, ऐसा भी एक मिशन इस अंदाज पत्रक का है, इस अर्थसंकल्प का है। ये जो अर्थसंकल्प है, उन्होंने 7 प्रायोरिटीज दिया है, 7 अग्रक्रम दिया है, इसमें समावेशक विकास है, इसमें लास्ट पर्सन का कल्याण है, वेलफेयर है, पायाभूत सुविधाएं और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी प्रयास करने का उसमें प्रायोरिटी है। यूथ पावर, हमारा जो यूथ है वो ऊर्जा शक्ति है, इंजन ऑफ ग्रोथ है, उसको डायनेमिक करने का भी उसमें प्रायोरिटी है, और जो कुछ हमारे पोटेंशियलिटीज है इकोनॉमी में, सोसाइटी में, एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में, वो सब एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करना है, एक्सट्रैक्ट करने का एंडेवर करना है, ये भी प्रायोरिटी है। ग्रीन ग्रोथ, हरित वृद्धि, हरित वृद्धि की ओर हमें जाना है, क्योंकि अब G20 का सब मीटिंग्स हो रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का वो जो चैलेंज है वो बहुत है, वो जो प्रॉब्लम है वो बहुत इंटेंसिव है, हायर ग्रेविटी का है, सो उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ग्रीन ग्रोथ की जरूरत है, वो प्रायोरिटी इस बजट में करने का प्रयास किया है, क्या एक्चुअली किया है वो हम देखेंगे। और फिनेंशियल सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स करने का प्रयास भी, प्रायोरिटी भी दिखाई देती है। अगर हम इस बजट को देखेंगे डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में, विकास के पर्सपेक्टिव में, ऑलरेडी मैंने बताया है, विकास को हम दो एंगल से देखना चाहिए, एक आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, और दूसरा सोशल और सामाजिक डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। अगर हम इस अंदाज पत्रक को, अर्थ संकल्प को एसेस करने का प्रयास करेंगे, एग्जामिन करने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा लगता है इस अंदाज पत्रक में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सिर्फ दो बहुत से महत्वपूर्ण प्रोविजंस की है,
एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, शेती विकास, खेती का विकास करने का, और दूसरा जो है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पायाभूत सुविधाएं डेवलप करने का। खेती के लिए क्या क्या है? खेती डेवलप करने के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीटी बेस्ड पायाभूत सुविधा विकसित करने का प्रयास 2023-24 में हो जाएगा, ऐसे एक प्रोविजन है। हॉर्टिकल्चर, वो कैश क्रॉप है, हमें यहाँ फलोत्पादन उसको बोलते हैं, वो हॉर्टिकल्चर डेवलप करने का मानस है, प्रयास कर किया जाएगा, ऐसा ये अर्थ संकल्प बोलता है। और सोशल सिक्योरिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अन्न सुरक्षितता नागरिक को उपलब्ध को करने की जरूरत होती है। यह अन्न सुरक्षितता अगर हम देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है कि जिसको हम मिलेट्स बोलते हैं, पल्सेस, और जिसको हम पल्सेस बोलते हैं, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये जो सब पल्सेस होते हैं उसको भरड़ धान्य बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, उसको बैलेंस्ड डाइट के लिए उसकी जरूरत है। तो हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है IIMR नामक की, इस इंस्टीट्यूट से माध्यम से इस मिलेट को, मिलेट पल्सेस और सीरियल्स, उसमें प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास करने का इंटेंशन इस अंदाज पत्रक में, अर्थ संकल्प में है। इसमें खेती में कुछ स्टार्टअप्स है, वो स्टार्टअप्स का डेवलपमेंट करने का प्रयास इस अर्थ संकल्प में, इस बजट में है। उसमें रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरियाज में एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के रिलेटेड कुछ स्टार्टअप्स है, उसका डेवलपमेंट, उसकी उसकी ग्रोथ करने का प्रयास इस अर्थ संकल्प के माध्यम से करने का विचार ये डेवलपमेंट पॉलिसी का है, इस सरकार का है, ऐसा लगता है। शेती संलग्न, खेती संलग्नित कुछ व्यवसाय होते हैं, उसमें पशुधन है, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, दुग्ध व्यवसाय है, इसमें फिशरीज है, मत्स्य व्यवसाय है, उसको कुछ डेवलपमेंट करने का प्रयास आने वाली ईयर में करने का मानस है इस अर्थ संकल्प का, और उसके लिए 20 लाख करोड़ की प्रोविजन की है। फार्मर का प्रॉब्लम जो होता है, सीजन में बहुत उत्पादन आता है और उसको प्रिजर्व करने का, स्टोर करने का प्रॉब्लम होता है, तो इस अर्थ संकल्प हमारी वो जो स्टोरिंग कैपेसिटी है, पोटेंशियलिटी है, वो बढ़ाने का प्रयास करती है। खेती के लिए वो क्रेडिट सप्लाई है, वो टारगेटेड क्रेडिट सप्लाई बढ़ाने का प्रयास इस अर्थ संकल्प ने किया है। ये सब प्रोविजंस खेती का जो विकास है, खेती पूरक जो व्यवसाय है उसका विकास करने के बारे में किया है, और मुझे लगता है वो वेलकम स्टेट है, अच्छी बात है, क्योंकि खेती की डेवलपमेंट होना चाहिए, वो बहुत से लोगों का अब भी उधर निर्वाह का साधन है, बहुत से लोग उधर निर्वाह के लिए, और फूड सिक्योरिटी खेती पर उपलब्ध अवलंबित होती है, इसलिए खेती की, और बहुत से लोग खेती पर उधर निर्वाह का साधन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए डिपेंड रहते हैं। इस पर्सपेक्टिव में अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इस अर्थ संकल्प में, इस बजट में खेती के लिए, खेती पूरक व्यवसाय का विकास करने के लिए प्रयास किया है, ऐसा दिखाई देता है। और वृद्धि के लिए, विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसको हम पायाभूत सुविधाएं बोलते हैं, उसमें रोड्स है, रस्ते है, उसमें बिजली है, इसमें टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट है, ये जो विकास के लिए पूरक होते हैं, डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए पूरक होते हैं, वो उसका प्रयास इसमें करने का प्रोविजन इस अर्थ संकल्प में किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो 10 लाख करोड़ प्रोविजन की है, और 33.4% ग्रोथ होगी। और एक प्रोविजन है, हमारे जो राज्य सरकारें हैं, राज्य स्टेट्स है,
उसको केंद्र सरकार ये सेंट्रल गवर्नमेंट 50 इयर्स के इंटरेस्ट फ्री विदाउट इंटरेस्ट वो लोन देंगे 50 इयर्स के लिए, और उस लोन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का प्रयास करेंगे। इसमें रोड है, टेलीकम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी पावर है, वो डेवलपमेंट करने का प्रयास करने का इंटेंशन है 50 इयर्स में, और उसके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकारों को देने का प्रयास करेंगे। रेलवे को डेवलप करने के लिए कुछ प्रोविजन की है, 2.4 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्रोविजन की है, और जो सिटीज है क्लास टू एंड क्लास थ्री सिटीज, उसमें भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसको डेवलपमेंट करने का कुछ प्रोविजन इस बजट में है। इस बजट का एक महत्वपूर्ण जो भाग है हरित वृद्धि, ग्रीन ग्रोथ, वो ग्रीन ग्रोथ के लिए ये प्रयास करेंगी, इसलिए रिसाइकलिंग सर्कुलर इकोनॉमी है, यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, और के सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। सोशल डेवलपमेंट के बारे में अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सोशल डेवलपमेंट में हेल्थ आरोग्य पे बहुत कुछ ध्यान नहीं दिया गया। 157 नर्सिंग कॉलेजेस नए शुरू की जाएगी, और उसके लिए कुछ प्रावधान इसमें किया है, और फार्मास्यूटिकल औषध निर्माण में कुछ संशोधन का प्रयास किया जाएगा, और सिकल सेल वो ब्लड इनएडिक्वेट ब्लड का वो डिसीज है उसके लिए कुछ प्रयास किया जाएगा, और मेडिकल में हेल्थ में जो कुछ रिसर्च की जरूरत है वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के हिसाब से की जाएगी। एक्चुअली हेल्थ पे जो वे होता है, खर्च होता है, वो कम होता है। 2022-23 में 2.1% ऑफ जीडीपी का प्रोविजन किया था, लेकिन अब कितना वे हो गया है, खर्च हो गया है, उसका आंकड़ा देखना चाहिए। इस अर्थ संकल्प में 10,000 करोड़ रुपीज का बढ़त हेल्थ सेक्टर में किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस, डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट, पैरामेडिकल फोर्सेस का रिक्रूटमेंट, वो चैलेंजेस है, उसको डील करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीज की बढ़त है, वो पूरे सी एडिक्वेट है ऐसा नहीं लगता। शिक्षा के बारे में कुछ प्रोविजन नहीं है, शिक्षा पे बहुत कम खर्च होता है, तो अबाउट 3% ऑफ जीडीपी केंद्र सरकार और राज्य सरकार करता है। कोठेरा कमीशन ने 1966 में बताया कि एजुकेशन का एक्सपेंडिचर कम से कम 6% ऑफ जीडीपी होना चाहिए 66 में, अभी भी लेस देन 4% हम वे करे, और इस ईयर में 3% का कुछ प्रोविजन जीडीपी के हो रहा है ऐसा दिखाई देता है। इस अर्थसंकल्प में शिक्षा में सिर्फ दो थ्री प्रोविजन्स है, एकलव्य स्कूल्स है वो डेवलप की जाएगी, शुरू की जाएगी, और उसमें जो कुछ टीचर्स लगेंगे उसके रिक्रूटमेंट हो जाएगी। इस बजट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ प्रावधान नहीं है। टीचर प्रोफेसर टीचर रिक्रूटमेंट कॉलेज नया कॉलेज नया यूनिवर्सिटीज का कुछ प्रोविजन नहीं है। कुछ डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करने का प्रयास हो जाएगा, और कुछ लाइब्रेरीज ग्रामीण एरिया में रूरल एरियाज में डेवलप करने का प्रयास हो जाएगा, ऐसा कुछ सिर्फ लिमिटेड प्रोविजंस एजुकेशन के बारे में है। और एजुकेशन में भी 10,000 की प्रोविजन की बढ़त है, वो एडिक्वेट है ऐसा नहीं लगता। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इनएडिक्वेट फैकल्टी, इनएडिक्वेट नॉन टीचिंग स्टाफ है, ऐसे कुछ बहुत से प्रॉब्लम है, कॉलेजेस का ग्रांट का प्रॉब्लम है, प्राइवेटाइजेशन का बहुत से प्रॉब्लम है, तो उसमें कुछ बहुत अच्छा ध्यान दिया है ऐसा नहीं लगता। ये बहुजन समाज के बारे में अगर हम देखेंगे, वो सोशल वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर में 9,000 रुपीज की बढ़त की गई है पिछले साल से, अगर इस साल में देखेंगे
पिछले साल 46,502 करोड़ रुपीज थी, अब 55,080 है। सो 9,000 करोड़ का शिल्प बजट बढ़ाने का प्रयास इस अर्थसंकल्प में किया है। अगर पॉपुलेशन देखेंगे, अगर लोकसंख्या देखेंगे तो बहुत कम है ऐसा दिखाई देता है। अगर हम माइन्यूट में जाएंगे, शेड्यूल कास्ट का जो प्रोविजन है, शेड्यूल कास्ट के लिए जो प्रोविजन है, शेड्यूल कास्ट का प्रोविजन सिर्फ 2,000 करोड़ रुपीज से बढ़ाया है पिछले साल से अगर हम कंपैरिजन करेंगे, और वो प्रोविजन एडिक्वेट ऐसा नहीं लगता, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, बहुत से प्रॉब्लम है। अगर अनुसूचित जमाती शेड्यूल ट्राइब का बारे में अगर हम देखेंगे तो 6,000 करोड़ की बढ़त की गई है, और वो क्या एडिक्वेट है ऐसी नहीं लगती, वो कम है। वो बहुत से प्रॉब्लम है शेड्यूल ट्राइब के, एजुकेशन, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, बहुत से प्रॉब्लम है। माइनॉरिटीज का जो बढ़त है, माइनॉरिटीज का सिर्फ 80,000 का बढ़त है अलॉटमेंट का, वे का, वो भी कुछ अच्छा है कि एडिक्वेट है ऐसा नहीं लगता। इस अर्थसंकल्प में आर्थिक वृद्धि गतिमान करने के लिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट में कुछ नहीं ध्यान दिया है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा तो आर्थिक वृद्धि गतिमान हो जाएगी, रोजगार निर्मित हो जाएगी। ऐसा नहीं, रोजगार निर्मित का कुछ धोरण इस अर्थसंकल्प में नहीं। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, औपचारिक रोजगार, उसमें उसके बारे में ये अर्थसंकल्प कुछ नहीं बोलता। शिक्षा में अपूरी है, एम्प्लॉयमेंट में अपूरी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, पॉवर्टी, दारिद्र बढ़ जाएगा, इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है। ऑक्सफैम का रिपोर्ट है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी का रिपोर्ट है, लेकिन इनइक्वालिटी एक कॉन्सेप्ट, ये टर्म, ये शब्द भी इस अर्थसंकल्प में नहीं है। क्यों नहीं आया मुझे नहीं ध्यान में नहीं आ रहा है। बहुत इंटेंसिव है 2022 वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट और ऑक्सफैम रिपोर्ट अगर देखेंगे, बहुत से बढ़ रहे, ग्रोथ हो रहे, वो ग्रोथ कुछ फैमिलीज में, कुछ हाउस होल्ड्स में कंसंट्रेट हो रहे है, और मेजॉरिटी बहुजन समाज हो, बहुजन समाज वंचित हो रहा है। इसकी कुछ प्रोविजन इसमें नहीं है। लास्ट पार्ट में मैं आ रहा हूँ, क्या करना चाहिए। पहले तो ये संविधान, ये अर्थसंकल्प में, ये अर्थसंकल्प कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, संविधान के फ्रेमवर्क में होना चाहिए। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ प्राइवेटाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी को दिशा देने वाली, गतिमान करने वाली प्रोविजन इस में देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, लेकिन वो भी प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से बहुत से हो जाएगी, उसके भी इविल कॉन्सिक्वेंसेस है, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के भी प्रोविजन है, बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत है। इकोनॉमिक थ्योरी हमें बताती है कि 3% का अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो वो रहता है, उसको नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलता है, लेकिन अब 10% के भी आगे है, और रूरल अर्बन में ज्यादा है। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब ओबीसी एनटी माइनॉरिटीज में ज्यादा है, वो भी गैप है। शिक्षा के बहुत से प्रॉब्लम है, ग्रॉस एलिमेंट का प्रॉब्लम है, ड्रॉपआउट का प्रॉब्लम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत से चैलेंजेस आ गए हैं, लेकिन इसमें प्रोविजन कुछ कम है। सो एजुकेशन पे बहुत प्रोविजन, न्यू यूनिवर्सिटी, न्यू कॉलेजेस, न्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रावधान करना चाहिए। आरोग्य को, हेल्थ को बहुत निग्लेक्ट किया है, बहुत से प्रोविजन होना चाहिए, एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, वे बढ़ाना चाहिए, और आरोग्य स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट जो आरोग्य है, प्राइवेट जो हेल्थ है, उसमें कंट्रोल और मॉनिटरिंग की बहुत सी जरूरत है। पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी होनी चाहिए 2030 तक, 7 ईयर्स सिर्फ रह गए, तो पॉवर्टी पॉलिसी की जरूरत है, और उसका प्रावधान इस बजट में होना चाहिए, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है बहुत रिग्रेस, सिंसियरली, ऑनेस्टली होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट निक्सस इस्टेब्लिश करना चाहिए, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि भारत तरुण है, यंग इंडिया है, इंजन ऑफ ग्रोथ है हमारे यूथ, उनको प्रोडक्टिव यूज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। 10% बहुत कम है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट और उसकी रिक्रूटमेंट की कोई कोई प्रयास नहीं किया जा सकता, किया गया
जा रहा है, तो उसको रिक्रूटमेंट के बारे में प्रयास होना चाहिए। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में टीचर्स के बहुत कम है, उनको बहुत से प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, ग्रांट देनी चाहिए, न्यू यूनिवर्सिटीज, न्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू कॉलेजेस की जरूरत है, उसका प्रावधान करना चाहिए। और सामाजिक कल्याण के बारे में, अनुसूचित जाति जमाति ओबीसी माइनॉरिटीज, ये जो वंचित समाज है, बहुजन समाज है, उसको कल्याण के लिए बहुत कम प्रावधान है। और हमारा संविधान ये बोलता है राइट टू लिव है, सभी का जीवंत रहने का, सर्वाइव होने का अधिकार है, और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको सर्वाइव करने का, उसको लाइफ देने का। तो इसके बारे में प्रोविजन करना चाहिए, ये पॉवर्टी कंट्रोल के लिए प्रोविजन करना चाहिए। वर्ल्ड में बेसिक यूनिवर्सल स्कीम ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, इस बजट में गरीब कल्याण, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना अगर हम एक्सक्लूड करेंगे तो दूसरा कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है। इसलिए इस बजट में जो रिविजन्स की जरूरत है, जो करेक्शन की जरूरत है, वो मॉडिफिकेशन की जरूरत है। पहले तो संविधान के फ्रेमवर्क में ये बजट लाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी आबादित रखनी चाहिए। स्वतंत्र, समता, बंधुता, इक्विटी, सोशल जस्टिस, फ्रैटर्निटी, सोशल वेलफेयर, ये हमारे स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये स्पिरिट के फ्रेमवर्क में हमें ये संविधान, ये बजट रिवाइज करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, पॉवर्टी रिमूवल में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, इनइक्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी की बहुत जरूरत है, एजुकेशन पॉलिसी की लिए प्रावधान करना चाहिए, बहुत से फंड्स की जरूरत है, आरोग्य हेल्थ सेक्टर का स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए, बहुत जरूरत है, कोरोना पैंडेमिक में हमें देखा है। और वो ये जो श्रमिक है, कामगार है, उसमें कुछ लेबर रिफॉर्म्स लाया है, वो कल्याण को छेद देने वाले है, कल्याण बढ़ाने के नहीं, कल्याण कम करने वाले है, उसका फिर विचार की जरूरत है, उसको री थिंकिंग की जरूरत है, वो करना चाहिए। 12 आवर्स वर्किंग है, हायर एंड फायर है, वेजेस फिक्स्ड नहीं है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर फिक्स्ड नहीं है, महिला है 12 रात में काम कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स 12, ये सब ये सोशल वेलफेयर और कामगार कल्याण के सब छेद देने वाले बहुत विरोधी धोर है। किसानों के बारे में 3 एक्ट्स आ गए थे, वो विड्रॉ किया गया, वो अच्छा किया गया, कितने साल, कितने टाइम तक स्ट्राइक करने को लगा इस किसानों को, हमें सब देखा है, लेकिन लास्ट में वो विड्रॉ किया, वो अच्छी बात है, करना चाहिए थे। इसलिए मुझे लगता है रोजगार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, शिक्षा की ओर देखना चाहिए, उसमें जो एक्सक्लूजन हो रहा है प्राइवेटाइजेशन के कारण, वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, आरोग्य हेल्थ सेक्टर स्ट्रेंथन करना चाहिए, दारिद्र गरीबी पॉवर्टी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रियलाइज करना चाहिए, जीरो पॉवर्टी चाहिए, फूड सिक्योरिटी को रियलाइज करने के प्रोविजंस होनी चाहिए। पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना अगर हम एक्सक्लूड किया तो दूसरी कोई प्रोविजन नहीं है, तो उसके बारे में हमें प्रोविजन की बहुत जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, और ये जो है तो उसकी प्रोविजन की जरूरत है, इसकी प्रोविजन की जरूरत है, क्योंकि इनइक्वालिटीज में अगर प्रोग्रेसिविटी लाएंगे टैक्सेशन में, अगर डायरेक्ट टैक्सेस का प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस का प्रोपोर्शन अगर कम कर जाएंगे, तो उसका भी राहत ये बहुजन समाज को, वंचित समाज को मिल जाएगा, क्योंकि अब इनडायरेक्ट टैक्सेस का प्रोपोर्शन ज्यादा है और प्रोग्रेसिविटी नहीं है, जो रिचेस्ट क्लास है, बिलियनियर्स है, उनके ऊपर टैक्स का बर्डन बहुत कम है, इस रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये अमेंडमेंट्स और करेक्शंस और रिविजन्स इस बजट में आना चाहिए। ये बजट गवर्नमेंट का बजट होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का बजट होना नहीं चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को स्टिमुलेट करने वाला, मिटिगेट करने वाला, मोटिवेट करने वाला बजट नहीं चाहिए। ऐसा कुछ करेक्शंस रिविजन्स अगर हो जाएगा तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो जाएगी, सोशल वेलफेयर ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो जाएगी, ये वंचित समाज को बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मिल जाएगी और एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक सोशल बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसे मुझे लगता है।
अगर आने वाले 7 डेज में 10 डेज में इस बारे में कुछ डिस्कशन होगा पार्लियामेंट पे और वो इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. इन द रियल सेंस ऑफ मीनिंग वो बजट अच्छा हो जाएगा. इन सोशली इनक्लूसिव हो जाएगा. ग्रोथ के बेनिफिशरीज बहुजन समाज हो जाएगा, वंचित समाज हो जाएगा. और इस डायरेक्शन में रिविजन्स की बहुत जरूरत है ऐसा मुझे लगता है. मैं पुनश्च धन्यवाद देता हूँ एमएनटी हिंदी को. और ओवर टू यू आशीष. जी सर, बहुत ही सराहनीय एक्सप्लेनेशन आपका रहा है आज का ये जो विषय रहा, खासतौर से जो बजट है, बजट को लेकर. तो निश्चित तौर पर एक अगर बजट होता इसलिए है कि जो वर्तमान समस्या है भारत, जो वर्तमान समस्या है आम नागरिक की, उस नागरिक को उसको ऊपर उठने के लिए प्रावधान किया जाए बजट के माध्यम से. तो निश्चित तौर पर अगर ये प्रावधान बजट में नहीं है तो उस बजट में आम नागरिक की बातें नहीं, मतलब उसको दरकिनार किया गया है, आम नागरिक के बारे में नहीं सोचा गया है. और जैसे आपने कहा कि मतलब एक तरह से ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उनको फेवर करता है और आम नागरिक को जिसके लिए बजट होना चाहिए, जो मतलब एक मूल निवासी बहुजन समाज का तबका है, वह इससे वंचित रह जाता है. क्योंकि अगर उसको उसकी जो मूलभूत उसकी जो नीड्स है, शिक्षा और रोजगार और घर, ये तीन जो उसकी बेसिक नीड्स है, ये अगर उसको नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर वह मतलब उसकी जो बेसिक समस्या है वह हल नहीं हो सकती. तो निश्चित तौर पर सरकार ने इस पर विचार करना चाहिए और ये जो आपने बातें कही है और उसके बारे में रीथिंकिंग करना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट्स करना चाहिए. और फिर जिस तरह से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बजट का फायदा कैसे हो, इस दिशा में अगर सरकार कार्य करती है तो निश्चित तौर पर ये बजट का जो महत्व इम्पोर्टेंस है वह उसका उसका मतलब एक फल जो है उसका वो मिल सकता है. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने आज एमएनटी न्यूज नेटवर्क के स्टूडियो में आके आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस बजट के बारे में, इसकी एनालिसिस करते हुए, इसके प्रावधानों के बारे में, और इतना ही नहीं तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी आपने पूर्व में इसको समझाया कि बजट किस लिए लिया जाता है और वर्तमान में मूल्यवासी बहुजन समाज की क्या स्थिति है, उसको समझाते हुए आपने बजट को समझाया. तो ये हमारे लिए एक अच्छा मतलब दर्शक जो है वो अच्छी तरह से आशा करते हैं कि इसको समझ पाए हैं. दर्शकों को फिर मैं रिमाइंड कर दूं कि ये जो वीडियो है, यह वीडियो इसी लिंक के तहत फेसबुक और यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा. आप सबसे आशा और अपेक्षा करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि ये जो जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए. पुनः एक बार कामले सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप धन्यवाद का बहुत धन्यवाद आशीष सर का धन्यवाद. जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद. फिर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे किसी और विषय पर किसी और दिन. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत सर. तो ये थे प्राध्यापक कामले सर, जिन्होंने आज हमें इस महत्वपूर्ण जानकारी दी, खासतौर से बजट के बारे में. यह वीडियो पुनः एक बार आप सभी से अनुरोध है कि यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ये जानकारी जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा आपके सोशल नेटवर्क में इस बात को फैलाए, ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है बजट के बारे में, वो ज़्यादा लोग समझे, जाने, और फिर उसके तहत वो कार्य करें. पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. कल रात 8:30 बजे पुनः एक बार मिलेंगे. जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत.